शत भैया के इस पवित्र वर्त पे, पवित्र त्योहार पे, जबकि पूरे भारतवर्ष में इस त्योहार को करोड़ों लोग बड़े ही श्रद्धा पूर्वक मना रहे हैं और मैंने अब देख रहा था जब से शत भैया का व्रत है तो जो हमारे यूपी और बिहार के जाने वाली ट्रेनों में टिकट भी नहीं हुई थी, हजारों लाखों के लोग जो है मैंने देखा स्टेशनों पे खड़े हैं अपने गांव जाने के लिए, अपने इलाके में शत भैया का व्रत मनाना चाहते हैं। तो पहले तो मैं जो सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये बहुत पवित्र त्यौहार है। जैसा कि मैं पहले भी मैंने कई बार ये बात कही है कि देखिए कहा जाता है कि चढ़ते सूरज को सलाम होती है, अक्सर हम लोग ये मुहावरा यूज करते हैं कि चढ़ते सूरज को हर एक आदमी सलाम करता है। तो मैं अपने इन भाइयों को तारीफ करता हूँ और जिस छत भैया का जो व्रत था ये हमें ये सिखाता है तो सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम नहीं होना चाहिए, सूरज चाहे जो उतरता है चाहे चढ़ता है वो तो हमेशा सूरज सूर्य रहता है, सूर्य को हमेशा सलाम होना चाहिए। सूरज कभी न चढ़ता है न उतरता है, एक तरफ से चढ़ता है दूसरी तरफ निकलता है, दूसरी तरफ चढ़ता है एक दूसरी तरफ निकलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब सूरज डूब रहा है तब भी हम लोग उसको अर्घ देते हैं, याद करते हैं। और मैंने जो बात सीखी है, मैं जब भी जिंदगी में कभी सफर करता हूं तो मैं अगर मेरे को सूर्य देव कहीं नजर आऊं तो मैं उनको हमेशा ही चाहे डूबते हुए हो या चढ़ते हुए अगर सफर में नजर आ जाते सड़क पे आपको तो उनको सलाम करता हूं, जब कहीं छुपते हुए नजर आते हैं उतरते तब भी मैं सलाम करता हूं। और इस पवित्र त्यौहार पे आज सुंदर नगर में जो हमारे कौंसिल साहबाना बहन चंद्रावती जी और हमारे भाई कॉमरेड गंगा प्रसाद जी, भाई मोहनलाल जी जिन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थापा हुआ था, और आज हमारे साथ बहन चंद्रावती जी, कॉमरेड साहब और हजारों साथी जो हैं आम आदमी पार्टी के साथ हैं। हमारे साथ मेयर सुरेंद्र कुमार शिंदा जी और बहन प्रवीण साणी जी जो सीनियर डिप्टी मेयर हैं, बहन रंजीता चौधरी जी जो हमारे डिप्टी मेयर हैं और बहुत सारे साथी, और बहन जी क्योंकि पूजा कर रही हैं इस वक्त और सबकी शुभ मंगल कामना कर रही है सब लोगों के लिए। सर इस जगह के लिए जो पिछले साल भाई बात तो पूरा करने दे, कभी नहीं बोलते, बात सुनते हैं पूरी। आप मेरे को जगह दे दो, मैं कल शुरू करवा दूंगा काम। जगह जगह का मसला होता है पहले, तो सर हम लोग यही मांग रहे हैं, हमको यही जगह ऐसे नहीं दे सकते, ऐसे थोड़ी दे सकते। जो सरकार कांग्रेस साहब चुप रहे हैं, एक बात कही थी कि जो हमें पक्की जगह बनानी है, मैं कह के गया था और कहीं बात से कभी आगे बढ़ना चाहिए पीछे नहीं आना चाहिए, तो मैं हम भी कोशिश की है क्योंकि जगह है इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पास, सरकार के कागजों में ये मुकदमेबाजी हो रही है, यहाँ जगह पे मंदिर बना है और रोज कहते हैं, अभी वो मुकदमेबाजी हुआ था, रोज मेरे को काउंसलर साहबान कहते हैं वो बिंदी जी, बिंदी हमें इसको क्लियर करा के दीजिए, लेकिन सरकार उनको देने को तैयार नहीं है, तो हम नहीं अपने तरफ से दे सकते ना, चीफ मिनिस्टर दे सकता है भाई साहब, एक बार याद रखना। लेकिन मैंने पिछले टाइम पे अपने डिपार्टमेंट के आदमियों को, अपने जो कुलूंगे हैं उनको यहाँ पे भेजा कि हमें जो लैंड आपके पास जिसका कोई मालिक नहीं है, कोई ऐसी लैंड है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंड होती है, उस पर मेरे को निकाल के दो, अगर कोशिश तो हमने इम्प्रूवमेंट रस्ते भी अभी तक कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अड़चने रहती हैं, इसलिए हम वो काम नहीं करना चाहते, कल में जो मुकदमेबाजी में फंसा भाई साहब और कल जाती है। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ चाहे जगह हमें कुछ किसी से लेनी पड़े, चाहे कोई खरीदनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, इतनी जगह जितनी है कॉमरेड साहब चाहे खरीदनी पड़ेगी वह खरीदेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे, सरकार के साथ हम कोई ऐसा काम नहीं, सरकार में रहते हुए नहीं करना चाहिए, मैं ये बात कर रहा हूँ। चाहे अगली बार हम वेट नहीं करेंगे,
नहीं तो अपने फंड से चाहे किसी से, ये आपको अगली छठ मैया का जो बात है, पिछली बार हम इसे धोखे में रह गए भाई, इसको हमें मिल जाएगी आसानी से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हो नहीं सका। लेकिन उसके बावजूद मैंने अपने आदमियों की ड्यूटी लगाई है, कहाँ भी है, और ऐसी छोटी उससे बड़ी जगह बनाएंगे, ये भी बात पक्की है, ताकि सब लोग बड़े आराम से, मैंने देखा जगह छोटी है तो थोड़े आराम से, और बड़ी हो तो ज्यादा लोग कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, और बच्चे लोग भी और भी जो लोग जाना चाहते हैं नीचे पूजा करनी चाहते हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। आने वाला जो पर्व है वो चाहे ये जगह जिसके साथ लगती कोई जगह भी हमें मिलेगी, उसके ऊपर हम उसको पक्की जगह बना के ही छठ मैया का व्रत होगा। ये मैं मान के चल रहा हूँ, भगवान की छठ मैया की कृपा, माता की कृपा हम सब पे बनी रहे, सब मुर्गे बने रहे और सबकी सेहत अच्छी रहे, ये सबसे बड़ी बात बात करती है, सबके घर बार सुख शांति रहे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कामर साहब का, सारे साथियों का, बोल लाल जी का, इन भाई साहब का, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ताकि बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो हमने कहा था पिछली बार भी, मैं उसके लिए पूछा लगा था बुद्ध कितनी बार बात हुई, तो फिर दोबारे आप सभी जनता की ओर से हमें ब्रह्मशंकर अपने छठ भैया के चरणों में नमन करके उनको याद करके मनाया जा रहा है। और इस व्रत की मैं खास चीज हमेशा हर एक जगह बोलता हूँ जब भी मेरे को मौका मिलता है, कि हमारे कहा जाता है कि भी चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, लेकिन ये हमारे सारे भाई लोग हैं, ये आज पहले जो सूरज डूब रहा है उसको भी सलाम करते हैं, उसको भी याद करते हैं, उसको भी चरणों में प्रणाम करते हैं, और कल उगते हुए सूर्य को भी प्रणाम करते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। सो छठ मैया की कृपा हम सब लोगों पे बने रहे, ऐसी मां से प्रार्थना करता हूं। मेरे साथ मेयर सुरेंद्र कुमार शिंदा जी, सीनियर डिप्टी मेयर पैन प्रवीण सैनी जी, डिप्टी मेयर प्रवीण रंजीता चौधरी जी, और हुंदल साहब जो आपके इस एरिया में बड़े लंबे अरसे से काउंसलर रहे हैं, इनके माता जी भी काउंसलर थे, लेकिन उस छठ मैया की भगवान की मर्जी होती है, हमें सांस तो उसकी मर्जी से मिले हैं, हमें किसी को नहीं पता होता, सो ये नहीं कहा जा सकता, हमें किसी को अगला पल अपना नहीं पता होता, लेकिन उसकी कृपा हम सब पे बने रहे ये मैं कामना करता हूँ। इन्होंने बहुत इलाके की सेवा की है इन लोगों ने पहले भी, और मैंने आपको बताता हूँ मैं भी उनके साथ ही काउंसलर चुना गया था, मैंने इंडिपेंडेंट लड़ा था और माताजी यहां से जीत के गए थे आपके स्थाई नंबर वार्ड से, और मैंने सबसे पहले जब पहले इकट्ठे हुए हाउस के अंदर मेयर साहब भी थे, तो मैंने सबसे पहले उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लिया, तो आज आप लोगों की सेवा करने का मौका मेरे को मिल रहा है। तो मेरे जितने ही ये प्रवासी भाई हैं, ये सबसे मेहनत कश लोग हैं, अगर हिंदुस्तान आज कामयाब है, हिंदुस्तान की जीडीपी है और पंजाब भी कामयाब है और इंडस्ट्री कामयाब है, तो मैं कह सकता हूं ये हमारे भाइयों के कारण है, इनका इनकी मेहनत का हम देना नहीं दे सकते, कोई आदमी में नहीं दे सकता हिंदुस्तान का, चाहे जितना मर्जी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, राजनेता हो, कुछ भी हो, लेकिन इन लोगों का देना नहीं दिया जा सकता। अगर पंजाब भी आज सारे इतना काम हो रहा है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, यहां भी देखियो आप हमारे ये मेहनत कश भाई कर रहे हैं, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं मेरे को बहुत जगह और भी जाना है और टाइम आपको लिमिटेड होता है। बोल छठी मैया की जय। सो आपके जाऊंगा बेटा। सो मैं सब लोग, मेरी बहनें बड़ी श्रद्धा पूर्वक अपने जो इनका तरीका है पूजा करने का कर रही हैं, और क्योंकि देखिए हर एक आदमी अपने संस्कारों से बना होता है, जो तरीका है करने का पूजा करने का ये सबसे अलग है, यहाँ नॉर्थ इंडिया में अलग है, तो इनका एक अपना तरीका है माता को याद करने का। तो मैं बहुत बहुत सारी बहनों को, सारी माताओं को, सारे भाइयों को
मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं शुभ मौके पे। और निश्चिंत रहिए मेरे भाइयों को, जिस किसी चीज की भी जरूरत होगी आने वाले टाइम पे तो उसको जरूर पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, और सबको छठ मैया की जय के साथ जय हिंद कहता हूँ। जय हिंद। हाँ, आते हैं सब लोग, तो मैं एक 51,000 रुपए का जो भी आपकी एनजीओ यहाँ चल रही होगी उसके खाते में देंगे, वो उसके कहीं भी खुशी पे, कहीं भी अपने ढंग से सब मिलके खर्च कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। छठ मैया के इस पवित्र व्रत, पवित्र पर्व पर, जो कि पूरे भारतवर्ष में बड़ा ही श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है, और हमारे सारे भाई, मैं देख रहा था उस दिन स्टेशनों में इतनी भीड़ है कि टिकट नहीं मिल रही, लाइनें ट्रेनें बहुत सारी लगा रखी हैं, लेकिन उसके बावजूद हर एक भाई अपने गांव में जाके छठ मैया की पूजा करना चाहते हैं। लेकिन ये हमारे सारे भाई जो यहाँ पे मौजूद हैं, कई अपने गांव में गए होंगे, लेकिन उन्होंने अपना यहाँ पवित्र त्यौहार जो है हर साल की तरह, मेरे को पिछले साल भी आने का मौका मिला और भाई श्रद्धा और उल्लास से यहाँ मंच सजाया गया था, और बहुत श्रद्धा पूर्वक मेरे भाई बहने, छोटी बहने, और बड़े ही अपने जिस ढंग से पूरे भारतवर्ष में मनाया मना रहे थे। और सबसे बड़ी पर्व की खास चीज ये है कि हमारे कहा जाता है जी कि चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं सब लोग, लेकिन यहाँ इस पर्व की खास चीज ये है कि यहाँ ढलते हुए सूरज को भी सलाम किया जाता है, अर्घ दिया जाता है, और सूरज चढ़ते हुए को भी दिया जाता है। इसका मतलब है कि जीवन का जो जो ये ढलान भी आती है, ऊंचाई भी आती है, कभी घबराना नहीं चाहिए। इसका मतलब है पीछे नहीं है तो चढ़ता हुआ सूरज है, लेकिन ढलते होकर लेके भी एक छठ मैया का विशेष, मैं कह सकता हूँ, संदेश है इसके अंदर भी। तो मैं सब लोगों को इस शुभ मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और छठ मैया की कृपा हम सब लोगों के ऊपर बनी रहे ये मैं कामना करता हूँ। लाखों के लोग मेरे ख्याल हजारों के तादाद में आज, पर मैंने देखा जितने भी जगह में जाके आया हूँ, सुंदर नगर में, भीम नगर भी आया हूँ, और भी इलाके में जाके आया हूँ यहाँ पे, तो बहुत सब लोग तैयार होकर अपने ढंग से, बहुत बच्चे भी, बड़े बड़े भी, मेरी बहने, तो मैं देख रहा था त्योहार मनाने की जो उनकी प्रथा है वो सबसे अलग है, लेकिन बड़ी श्रद्धा है उसके अंदर। कोई भी उस परमात्मा से, ईश्वर मैया से किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की कि हमें किसी चीज की कमी है। तो पहली बात यह है, मैं हमेशा हर एक मन से ये बात कहता हूँ, अगर हिंदुस्तान की अगर जीडीपी आज कायम है, इंडस्ट्री कायम है, बिल्डिंग कायम है, बड़े बड़े मार्ग बन रहे हैं, जहां भी जो काम और मेरे जो मेहनत भाई जो आजकल ये छठ मैया का व्रत मना रहे हैं, सबसे ज्यादा योगदान इन लोगों का है। हिंदुस्तान में कोई सरकार इसको डिनाई नहीं कर सकती, कोई इलाका इसको डिनाई नहीं कर सकता, कोई इंडस्ट्री इसको डिनाई नहीं कर सकती, सबसे बड़ा योगदान है। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैंने पिछली बार यहाँ घोषणा भी की थी, एक कहा था कि मैं 5 लाख समय चेक आपको इसको डेवलप करने के लिए मैं दूंगा, लेकिन वो चेक भी करना है, अरे हम ढूंढते आए हैं लेकिन कहीं रखा गया है, पिछली बार कह के गया था मैं। सो वो एक्चुअली क्या वीडियो के नाम पे रही था, पता नहीं उन्होंने वीडियो के नाम पे उस वक्त के डीसी ने शायद वो कर दिया था, और डायरेक्ट चेक नहीं था, तो पे ऑर्डर बना हुआ लड़कों ने, बाकी हमने सारे डिस्ट्रीब्यूट अपना फंड कर दिया था, मैं कोई फंड अपने पास एक दिन के लिए भी नहीं रखता, जहाँ कहा वहां लेके आता हूँ। हमने हरेक गाँव हरेक जगह कहा था, सब देखे आए थे, लेकिन आज वो ऑर्डर कहाँ बनाया कहाँ नहीं है, मेरे को कल आपको सारे कल ऑफिस खुलेंगे पता लगेगा। अगर पिछली बार वाला काम आता है तो ठीक है, वो तो फिर जो नया फंड आएगा उसमें से इस इलाके को 1.5 लाख रुपए की घोषणा की हुई है। आप यहाँ मर्जी, आपकी सोसाइटी,
आप लोग उसको अपने इसके बनाने के लिए अगर और पैसे चाहिए और भी देंगे साथ में, कहीं से बना के और अच्छा आपके पास जगह जगह होगी उसके बाद अच्छे ढंग से बनाया जाएगा, कोई जरूरत होगी तो बहुत बहुत धन्यवाद। और द्वारा छत भैया के चरणों में प्रणाम करता हुआ सबको जय हिंद कहता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। चेयरपर्सन है और सबसे जुड़े हुए हैं शत्रुघ्न सिंह जी, रणधीर सिंह जी, राकेश कुमार जी, रंजीत कुमार जी, पासवान साहब, उपेंद्र जी, विनय जी, राजदेव सिंह जी, मिश्रा जी, जो भी साथी रहा किसी का नाम ना ले सकता हूँ माफी चाहता हूँ। डॉक्टर खड़े तो पंडित जी खड़े तिवारी साहब तो ये भी अक्सर दर्शन होते रहते इनके हरे, तो सब लोगों का बड़ा सहयोग है। ऐसे नहीं है जिंदगी जो है सबको साथ लेकर चलते ही अकेला आदमी कभी कुछ नहीं होता। मेरे साथ मेयर सुरेंद्र कुमार सिंधा जी और भैन प्रवीण सैनी जी, सीनियर डिप्टी मेयर भैन प्रवीण सैनी जी और डिप्टी मेयर रंजीता चौधरी जी और भी साथी यहाँ पर मौजूद होंगे, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेटी का सम्मान करेंगे तो मैं सारी कमेटी को बोलता हूँ कि वो जल्द करें क्योंकि